इसको इसको नीचे रख दे मारे पर तरसे ऐसे ऐसा तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, तू परेशान करता है मेरे को। चलो भाई स्टार्ट करो ब्लॉग, स्टार्ट करो ऐसे बोल के। स्वागत है फिर से नए ब्लॉग, अब क्या बोलूं, ऐसे खुल के बोल, हे गाइस स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में। हे गाइस स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में, अब क्या बोलूं। आपके ब्लॉग की शुरुआत हुई है मेरे को डांट पड़ने से, आज की शुरुआत है मेरे को डांट पड़ने से, अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। ऐसे बोल, आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है मेरे को डांट पड़ने से, बोल तो दिया था सही से बोल। आज की शुरुआत हुई है मेरे को डांट खाने की, अब क्या बोलूं। अब तो कुछ भी बोल, अब क्या तू बता दे, आज तो गुरुजी के हो गया ना, क्या क्या किया तूने। हलवा खाया, अच्छा अच्छा काम किया, मेट्रो मॉल भागा, और अच्छी अच्छी पढ़ाई भी की, और सब गया। खारिज करेंगे आज। हे गाइस गुड मॉर्निंग, ओ गुड मॉर्निंग, तो थोड़ी लेट हुई आज 11:30 बजे, वो भी भाई ने करवाई है चीख कर। मैं तो मस्त हो रहा था, संडे को नींद पूरी कर रहा था, लेकिन ये भाई साहब आ गए और चीखना स्टार्ट कर दिया और नींद खुल गई मेरी 11:30 बजे। नहीं तो मेरा प्लान था 12:30-1 बजे तक सोने का आज, सो कोई बात नहीं, माहिर हमारे घर का चलता फिरता अलार्म है। इधर इधर तो तेरे क्या चाहिए, इधर तो भाई पता नहीं क्यों माहिर रो रहा है अंदर, एक्चुअली क्लास चल रही है, कोचिंग वाली गली ना बनी थी पूरी, तो वहां उन्होंने गली दोनों साइड से बंद कर दी है, तो आज घर पे क्लास हो रही है, तो ये जितना मना कर रहे हैं चीख मत, उतना ही चीख रहा। क्या चाहिए तेरे को, चौक से G20 बनाना अच्छा लगेगा। हाँ अभी आ रहा, ले आगे तेरी टोकरी आगे बना, सामान ना ऐसे कैसे होना चाहिए, इसके अंदर एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा पीटा जाएगा ना सुबह सुबह तेरे को, ठीक है। ओए तो ठीक है भाई, देख लिया माहिर ने क्या आतंक बचा रखा है सुबह सुबह, ये देखो ये भाई साहब का कारनामा है। सो उठ गया हूँ तो फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आज संडे, आज का कुछ ऐसा अभी तक का प्लान नहीं है, अगर कुछ हुआ तो चले जाएंगे घूमने फिरने, यार दोस्तों के साथ मिल लेंगे किसी से, और अभी तो 2-3 घंटे क्लास चलेगी तो मिलता है थोड़ी देर में। माहिर की पढ़ाई हो रही है। We should cover our dash and dash with a handkerchief while sneezing. Let's sneezing. Sneezing. चाचा मेरी वीडियो बना रहे, देखो तो। तू आंसर देना। व्लॉग बन रहा है भाई। अरे चाचा मेरी वीडियो बना रहे। दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। ऊपर तो देख रहा है। हाँ दिख रहा है मेरे को। बता, आंसर बता। We should cover our dash and dash with a handkerchief while sneezing. While sneezing. Sneezing मतलब? जीरो मार्क्स। क्या बोला, क्या स्नीजिंग, स्नीजिंग स्नीजिंग मतलब तू बता ना, स्नीजिंग का मतलब क्या, मतलब क्या बोल रही थी वो, मैं ये बोल रही थी स्नीजिंग का मतलब बताओ और सीधा बैठ जाओ। स्नीजिंग का मतलब होता है माउथ, नहीं स्नीजिंग का मतलब क्या होता है, अच्छी आप तो जब जब हमें स्नीज होती है, जब हम स्नीज करते हैं तो हम क्या क्या कवर करते हैं अपना डैश एंड डैश, माउथ नाक, इंग्लिश में बोलो माउथ नाक नाक ई ओ डब्ल्यू एस। मम्मा पोटी आ रही है। माय पर्सनल हाइजीन क्या होता है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, भाई माहिर के। हेलो गाइस, तो भाई मम्मी कर रही है काम रसोई में, खलेड़ा मचा हुआ अच्छा खासा, ठीक है मम्मी को काम करने देता। इंग्लिश में बोलो। हमें रोज रोज एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, हम एक्सरसाइज करने क्या रखती है,
बात जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जीरो मार्क्स को नंबर कट गए। इट कीप्स अस फिट, ये हमें फिट रखती है। तू पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है, इट प्रोटेक्ट अस, इट सेव अस, इट क्लीन्स अस। एक्सरसाइज इसलिए करते हैं हमारी बॉडी फिट रहे, हमारी बॉडी फिट रहे। पापा करते हैं ना डेली, चाचा भी करते हैं। जब तू बड़ा होगा तब करना, पहले आंसर लेना। फर्स्ट क्लास में आ गया तो बड़ा। तू ये बता, व्हाई शुड वी डू एक्सरसाइज रेगुलरली? हम एक्सरसाइज रेगुलरली क्यों करते हैं? व्हाई? अभी बताए जल्दी बोल। जीरो मार्क्स बता, लास्ट चांस है, अगर हम नहीं करा तो फिर जीरो मार्क्स। क्या बता रही है? तूने बताना है व्हाई शुड वी डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस इन डर्टी प्लेसेस? डर्टी प्लेसेस में क्या होता है? ब्रेन डिजीज, ब्रेन डिजीज, ब्रेन डिजीज मतलब ब्रेन मतलब से जहाँ पे गंदगी होती है, गंदगी होती है। क्या लेकर आती है? डिजीज, डिजीज की स्पेलिंग कराओ। ब्रेन डिजीज, ब्रेन नहीं ब्रेन, ब्रेन डिजीज। बैठो, ब्रेन की स्पेलिंग बी आर आई एन जे। डिजीज की स्पेलिंग ए आई एस ई ए एस एस। क्या बोल रहे? बी आई तरीका यार। अच्छा, माहिर के पढ़ाई करने का तरीका तो अच्छा। वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर कलर्स ऑन द रोड। कलर्स, हाँ माहिर ऐसे थप्पड़ पड़ने का। हाँ ये बिल्कुल तू जोन में। कलर फॉलो करता है तू? अगर ट्रैफिक अब जब होता है रोड पे तो वहाँ पे कलर्स कौन से होते हैं तू फॉलो करता है? वो तो रेड लाइट के कलर है, हम उन कलर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं। हाँ तो सिग्नल्स आंसर आएगा। मैं तू खतरे में है। वी शुड नॉट प्ले विद टॉयज या शार्प ऑब्जेक्ट्स। शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? चाकू, सीजर, पेंसिल, पेन। ये शार्प होते हैं इसलिए इनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। जो इरेजर के साथ खेलना चाहिए, नहीं बस इरेज करना चाहिए। सिर्फ टॉयज के साथ खेलते हैं बच्चे, टॉयज, सॉफ्ट टॉयज। मेरे टॉयज के साथ जो ऊपर पड़ा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन माहिर, व्हाई व्हाई नहीं, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स या फिर फंक्शंस। एक्सीडेंट्स, अगर फंक्शन में करेंगे तो? फंक्शन में जाने के लिए सेफ्टी रूल्स को अवॉइड करने की जरूरत नहीं। मैंने तेरे डोले पे क्या हुआ? डोले का वी शुड ऑलवेज, अच्छा तू जो आंसर दे पहले। वी शुड ऑलवेज प्ले इन द पार्क या क्लासरूम। पार्क, ठीक है। वी शुड क्रॉस द रोड एट फुटपाथ या जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ वी शुड क्रॉस रोड, हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स या फंक्शंस। एक्सीडेंट्स। वी शुड नॉट प्ले विद टॉयज या शार्प ऑब्जेक्ट्स। शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प शार्प ऑब्जेक्ट्स। हाँ
वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स या कलर्स ऑन द रोड. सिग्नल्स. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स. स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डेड एल्डर्स. मतलब बड़ों के साथ जाओ. बड़ों की प्रेजेंस में स्विमिंग करो. वी मस्ट बी डैश एट पब्लिक प्लेसेस. हमें पब्लिक प्लेसेस पे कैसे रहना चाहिए. पब्लिक प्लेसेस पे रहना चाहिए. पब्लिक प्लेसेस में आपको कैसे रहना चाहिए. कैसे रहना चाहिए. अच्छे से. कैसे रहना चाहिए. अगर बहुत सारी भीड़ है. होल्ड. नहीं मैं ये नहीं पूछ रही क्या करना चाहिए. मैं पूछ रही डैश. डैश में क्या है. कैसे रहना चाहिए. पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पे जैसे मेट्रो हो गई वहाँ पे कितनी भीड़ थी कल या मॉल में चले गए या मार्केट में चले गए जहाँ पे बहुत भीड़ है बहुत सारे लोग हैं तो बच्चों को वहाँ पे क्या रहना चाहिए. केयरफुल मतलब ध्यान देना चाहिए. मम्मी पापा के हैंड पकड़ के रहना चाहिए. तो भाई माहिर की आज अच्छी खासी क्लास लग चुकी है. अब इस वीडियो को करते हैं पर एंड. ये ब्लॉग कुछ ज्यादा लंबा हो गया. देखो पंखे के साथ ब्लॉग चल रहा है. सो अब करता हूँ वीडियो को एडिट. कोका कोला भी देख लो जूस का कैन बिल्कुल दब गया था. अब करूंगा वीडियो को एडिट. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना. चैनल को सब्सक्राइब करना. सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.